देखिए थाला हार्टेड विजय सर के फैंस के लिए काफी समय बाद एक बड़ी अपडेट आ गई है, वो अभी उनकी अगली फिल्म से। तो जैसे कि आप जानते हैं एटली कुमार थाला हार्टेड विजय और एसआरके की फिल्म को अभी पोस्टपोन्ड कर दिए हैं, उसके बदले वो अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म करेंगे। तो भाई इसलिए अपने विजय सर भी अपनी गॉड के बाद थाला हार्टेड 69 का भी बंदोबस्त कर लिए हैं, वो अभी डायरेक्टर कार्तिक सुब्राज के साथ, जिनके आपने हाल ही में जिगर ठंडा डबल एक्स फिल्म देखे होंगे। और इनके साथ ही विजय सर के 69 फिल्म कन्फर्म हो चुका है। तमिल मीडिया के अनुसार विजय सर को कार्तिक सुब्राज की स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। बाकी अभी फिल्म कैटेगरी को रिवील नहीं किया गया है, बट मुझे याद है कार्तिक सुब्राज एक मीडिया में काफी समय बोले थे मैं थाला हार्टेड विजय सर के साथ एक गैंगस्टर फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसका टाइमलाइन पुराने जमाने का होगा, यानी कि भाई धनुष की D51 फिर सूर्या की 43 के बाद अब थाला हार्टेड विजय सर भी सलार के एजब के जैसे ही अपने T69 को बना सकते हैं कार्तिक सुब्राज के साथ। खैर अब जल्द ही विजय सर अपने T69 फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं और हो सकता है उस फिल्म को प्रोड्यूस जिलर और बीस्ट वाला सन टीवी प्रोडक्शन कंपनी करे। फाइटर मूवी ऋतिक रोशन का रिलीज हो चुका है सिनेमा में और भाई इसका रिव्यू सही में काफी अच्छा आ रहा है हर जगह से। सिद्धार्थ आनंद फिर से कामयाब हो गए हैं ऑडियंस को एक बड़ी एक्शन मूवी देने में। फिल्म का डायलॉग ड्रामा सरकाइजम स्टोरी नरेशन इमोशन और प्लस में एरियल एक्शन सब कुछ एकदम टॉप लेवल का है और ऑडियंस को पसंद भी आ रही है। और सबसे बड़ी बात बजट, टॉप गन के कंपेयर में फाइटर का बजट 10 गुना कम है, लेकिन तब पर भी आपको जरा भी फाइटर के वीएफएक्स में कुछ भी कमी नजर नहीं आएगी कहीं पर भी, और इसके एरियल एक्शन भी एकदम स्टाइल से कोरियोग्राफ किया गया है। बाकी ऋतिक रोशन अपने फाइटर के कैरेक्टर में कमाल का परफॉर्मेंस दिए हैं और बाकी लोग भी अच्छे से एक्टिंग किए हैं में। तो इसलिए फाइटर का पहले दिन 25 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन होगा बॉक्स ऑफिस पर, जो कि ठीक ही ठाक है, जबकि आज कोई हॉलीडे भी नहीं है, बिना छुट्टी कहीं फाइटर इतना बड़ा कलेक्शन बटोरेगा ओपनिंग के दिन। हीरो ने सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं, कहीं मेरी टीम ऐसा और उन्हें जरूरत है, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर संजय लीला भंसाली फाइनली 3 साल बाद अपना अगला प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट कर दिए हैं, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसका नाम है लव एंड वार। और इस मूवी के अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल ये तीनों लीड में होंगे और ये लव एंड वार अगले साल 2025 के क्रिसमस पर रिलीज होगी सिनेमा में। अब पता नहीं फिल्म का कैटेगरी क्या है, बट ये फिल्म संजय लीला भंसाली बना रहे हैं तो सच में बवाल होगी, क्योंकि ये डायरेक्टर वो है जिन्होंने बाजीराव मस्तानी फिल्म, पद्मावत और गंगूबाई जैसी बड़ी हिट फिल्में दी हैं इंडियन सिनेमा को। वैसे भाई हाल ही में शाहरुख खान एक संजय लीला भंसाली की फिल्म को ठुकरा भी दिए हैं जिसका नाम है इंशाल्लाह, और ये फिल्म एक रोमांस कॉमेडी मूवी थी। संजय लीला भंसाली कुछ अलग काम करना चाहते थे इस मूवी के अंदर, बट एसआरके इनकी ख्वाहिश पर पानी फेरे दिए। आप तो जानते हैं अब शाहरुख खान केवल एक्शन मूवी करना चाहते हैं, उन्होंने रोमांटिक फिल्मों से दूरी बना लिया है जीरो फ्लॉप के बाद। खैर अब देखा जाए संजय लीला भंसाली की अगली क्रिएशन लव एंड वार किस लेवल की मूवी होती है, क्या ये पुराने जमाने की टाइमलाइन की होती है या आज के जमाने की। देखिए अजय देवगन अपने शैतान का टीजर रिलीज कर दिए हैं जिसको देख के उतना मजा नहीं आया, ये टीजर कम ग्लिम्स से ज्यादा था, कुछ भी रिवील नहीं किया गया, बस बता दिया गया है फिल्म का विलन आर माधवन किस लेवल का काली शक्ति का इस्तेमाल करने वाले हैं लोगों को बस में करने के लिए। और बाकी इनके बाद ज्योतिका और अजय देवगन का लुक को रिवील किया गया टीजर में। वैसे फिल्म सच में तबाही लेवल की होने वाली है, अजय देवगन पहली बार ऐसा हॉरर मूवी ट्राई की है वो भी आर माधवन जैसे एक्टर को विलन बना के। खैर अजय देवगन अपने शैतान के टीजर में ज्यादा कुछ तो दिखाया नहीं, सो अब ट्रेलर का ही आने का इंतजार किया जाए शैतान फिल्म का। मैं चाहे कुछ भी कहूँ मेरे बहकावे में मत आना। आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनी इस साल लाहौर 1947 नाम की फिल्म बनाने वाली है जिसके हीरो हैं सनी देओल, लेकिन भाई लाहौर 1947 से पहले आमिर खान एक मूवी को 1 मार्च को ही रिलीज करने वाले हैं जिसका नाम है लापता लेडीज, जो कि कॉमेडी मूवी है और इसको डायरेक्ट खुद आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव की है। बाकी फिल्म को अभी से ही कुछ मीडिया को दिखा दिया गया है और उनका रिव्यू अच्छा आया है इस मूवी के प्रति। वैसे फिल्म के लीड एक्टर हैं अश्वर श्रीवास्तव जिन्हें आप जमतारा सीरीज में देखे होंगे और अभी किशन भी है फिल्म के अंदर। चलो अच्छी बात है, कोई तो हिंदी में ऐसा आदमी है जो न्यू एक्टर को भी मौका दे रहा है फिल्म देखे, वरना सब लोग हीरो के बेटा बेटी को ही लॉन्च करने में बिजी रहते हैं। चल आए एक लौता फोटो है शादी का दिन खिंचवाए थे। वाह बहुत सुंदर है बे। अब चलिए हनुमान के बॉक्स ऑफिस पर आ जाते हैं। देखिए हनुमान ने जहां मंगलवार के दिन 4,65,00,000 रुपए कलेक्शन किया था, तो वहीं हनुमान के बुधवार के दिन 3,50,00,000 रुपए कलेक्शन हुआ है पूरे इंडिया में, जिसमें से हनुमान ने तेलुगु में 2,42,00,000 रुपए कमाई किया, तो वहीं हनुमान का हिंदी बेल्ट में 1 करोड़ कलेक्शन हुआ है बॉक्स ऑफिस पर। खैर इसी के साथ हनुमान का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 13 दिन में 147,15,00,000 रुपए कलेक्शन हो गया है और वर्सेस मिलाकर हनुमान ने 220,60,00,000 रुपए कलेक्शन किया है पूरी दुनिया के मार्केट में। वैसे हिंदी में टोटल प्रशांत वर्मा के हनुमान का अब तक 13 दिन में 38,30,00,000 रुपए कलेक्शन हुआ है बॉक्स ऑफिस पर। खैर हनुमान को ओवरसीज में भी 50 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन हो गया है, जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था हनुमान बाहर के मार्केट में भी इतना बड़ा कलेक्शन बटोर सकता था। बाकी भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।